तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 मतलब लास्ट क्वेश्चन को करने वाले। इसमें तीन बीट है और हम तीनों क्वेश्चन को करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के हिसाब से इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनके सोल्यूशन पता करने। तो पहला बेटे, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हमने बात करी थी डाउन स्ट्रीम की, जब हम लहरों के साथ में बहते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा। इसका मतलब हमारी स्पीड में जो स्ट्रीम की स्पीड है मतलब लहर की स्पीड है वो भी प्लस हो जाएगी। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और अप स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम है या लहर है उसके खिलाफ मतलब उसके विरुद्ध। इसका मतलब हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें यह पता करना है कि अगर वाटर स्टिल हो, इसका मतलब कोई भी करंट नहीं हो या कोई भी स्ट्रीम नहीं हो, मतलब नदी फ्लो नहीं कर रही हो, तो स्टिल वाटर में वो किस स्पीड से रोइंग कर सकती है, हमें ये बताना है। इसके अलावा करंट मतलब स्ट्रीम की भी स्पीड हमें बताना है। तो इन दोनों स्पीड को एक्स और वाई मान लेते। स्पीड ऑफ रोइंग हमने एक्स मान लिया एंड स्पीड ऑफ करंट हमने वाई मान लिया। अब हमें बताया कि जब वो डाउन स्ट्रीम रोइंग करती है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर पार कर लेती है। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला यूज करें तो हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो 20 किलोमीटर फ्लो कर रही थी 2 आवर्स में, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये होता है स्पीड। तो इसे हम लिख सकते हैं, स्पीड उस टाइम पे होगी उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है प्लस डाउन स्ट्रीम है, इस कारण से स्पीड ऑफ करंट भी उसमें जुड़ जाएगी, मतलब प्लस वाई। तो इसे हम एक और लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20/2 होता है 10। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे सेकंड इक्वेशन देखें तो उसमें बताया कि अप स्ट्रीम में फ्लो करने पे वो 4 किलोमीटर रो कर पाएगी इन 2 आवर्स। तो उस टाइम हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन टाइम 2 आवर्स इक्वल टू उसकी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, इसलिए तो उसकी स्पीड थी x और अप स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इसका मतलब करंट की जो स्पीड है वो उसे रोकेगी, इसका मतलब माइनस हो जाएगी, तो माइनस वाई। इससे तो सोल्व होकर लिखे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दो इक्वेशन आ चुके हैं, एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर्स है और अलग अलग साइन के 2 नंबर है, इसलिए हम इसे एड भी कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर इसे एड करें तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा 0, 10 और 2 होता है 12। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12/2 और 12 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब एक्स मतलब उसकी स्पीड ऑफ रोइंग हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते तो हमें मिलेगा एक्स मतलब 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब 6 को अगर इस साइड में भेजे तो ये इधर किसी भी साइन का नहीं मतलब पॉजिटिव साइन का, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6। 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 4 आंसर आएगा, माइनस वाई की वैल्यू। इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख सकते हैं इनमें, सो स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। उतारना हो तो उतार सकते। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो embroidery के work के लिए बताया कि कुछ वुमेन्स और मेन्स काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों में उसको कम्प्लीट कर पा रहे हैं। हमें बताना है कि अगर वो लोन काम करे तो कितने दिनों में कम्प्लीट कर पाएंगे। अभी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाया तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन से जितना सीख सकते हो उतना सीखने की कोशिश करना, ये तुम्हारे लिए फायदा देगा। एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांस न के बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन से जितना सीख सको उतना सीखने की कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना है कि एक वुमन और एक मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर हम माने लेट वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज,
इसका मतलब अगर एक वुमेन उस काम को एक स्टेज में फिनिश करती है, वो एक दिन में कितना करेगी, इस बात के लिए हम लिखेंगे। और उससे पहले हम समझे कि वो एक दिन में कितना करेगी। सपोज करो कोई आदमी एक टैंक को खाली कर रहा है और वो रोज बराबर बराबर काम कर रहा है, मतलब उसकी जितनी पावर है उतनी रोज बराबर है, मतलब हर दिन वो बराबर बराबर खाली कर रहा है। और अगर उसने दो दिन में पूरा टैंक खाली कर दिया तो हमें बताना कि उसने एक दिन में कितना टैंक खाली किया होगा। ऑफकोर्स आधा टैंक खाली किया होगा एक दिन में, दूसरे दिन में बचा हुआ आधा। और अगर तीन दिन में खाली करता है तो पहले दिन वो 1/3 खाली करता है, दूसरे दिन अगला 1/3, और तीसरे दिन बचा हुआ था 1/3। इसका मतलब 1/3, 2/3 और 3/3। इसी हिसाब से अगर वो 10 डेज में खाली करता है तो पहले दिन में कितना खाली करता है, ये पता करने के लिए हमें उस टैंक के 10 बराबर हिस्से मानने पड़ते, जिसमें वो पहले दिन में एक हिस्सा गायब करता, दूसरे दिन में दूसरा, ऐसे करके 10वें दिन में 10वां, मतलब सारा हिस्सा गायब कर देता, मतलब वो टैंक पूरा खाली कर देता। इसका मतलब अगर हमें पता कि कोई भी इंसान किसी काम को कुछ दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो होता है उसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब जैसे अगर वो 10 दिन में फिनिश कर रहा है तो एक दिन में 1/10 फिनिश कर रहा होगा, जैसे कि हमने देखा था कि 2 दिन में फिनिश कर रहा है तो एक दिन में 1/2, ऐसे 3 डेज के लिए एक दिन में 1/3, उसी हिसाब से हो जाएगा कि वो एक वुमन एक दिन में 1/x काम कर रही होगी। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 है तो वो एक दिन में 1/10 काम कर रही होगी, जितना भी टोटल काम है उसका। जैसे कि हम समझे, सपोज कर रहे ये टोटल काम है और अगर वो 4 दिन में कंप्लीट कर रही है तो इसका मतलब एक दिन में उसने ये एक पार्ट कंप्लीट किया होगा, दूसरे दिन में दूसरा पार्ट, तीसरे दिन में तीसरा और चौथे दिन में चौथा। तो एक दिन में वो एक पार्ट कंप्लीट कर रही है 4 में से, तो उसको हम 1/4 ही लिखेंगे अगर 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक डेज में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन के लिए 1/x लगेगा। ऐसे मैन के लिए देखें, 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन y डेज। अगर एक मैन को y डेज लग रहे हैं तो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर पाएगा उसका वाइथ पार्ट, मतलब 1/y। और ये तरीका हमेशा के लिए याद कर लेना, ये मेन मूवमेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा इस तरीके का यूज करना, 100% क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो 10th की बात हो या चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद कोई कॉम्बिनेशन एग्जाम दोगे तो उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी। अब फर्स्ट कंडीशन को यूज करें। फर्स्ट कंडीशन दिए, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मैन काम कर रहे हैं और वो 4 दिन में उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। इसका मतलब अगर हम वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे देखे, मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएंगे ये देखे, क्योंकि हमारे पास एक दिन में कितना काम करते हैं उसकी वैल्यू है हमारे पास, इस कारण से हम एक दिन का देख रहे हैं। तो एक दिन में एक वुमन काम करती 1/x, तो 2 वुमन से तो यह हो जाएगा 2/x, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने जितने भी काम हो रहा है उसमें, और उनके साथ में मेन भी काम कर रहे हैं, एक मेन काम कर पाता है 1/y, जैसे 5 मैन हो जाएंगे 5/y। तो ये 2 वुमन और 5 मैन मिलकर 4 दिन में सारा काम कर रहे हैं, तो 100% इन दोनों का एक दिन का काम देखेंगे तो वो टोटल काम का केवल 1/4 काम कर पाएंगे एक दिन में, दूसरे दिन में बचा हुआ 1/4, तीसरे दिन में बचा हुआ 1/4, वैसे चौथे दिन में बचा हुआ 1/4, तो ये पूरा काम 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब वो टोटल काम का केवल 4th पार्ट कंप्लीट कर पा रहे होंगे 4 दिन में। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, इस क्वेश्चन को वापस समझाने में काफी खुशी होगी, और फिर भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना तुम इसको सीख पा उतना अच्छा है। अगली कंडीशन देखें, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अब हम देखें 3 वुमेन एंड 6 मैन एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो एक वुमन काम कर रही थी 1/x, तो 3 वुमन हो जाएगी 3/x, और उनके साथ में काम कर रहे मैन, एक काम कर रहा था 1/y, तो 6 हो जाएंगे 6/y। अगर इन दोनों को एक दिन का काम जोड़ा जाए तो ये सब मिलके 3 दिन में पूरा काम फिनिश कर रहे थे, तो ये सब मिलके एक दिन में उसका 1/3 काम कर पाएंगे। इसका मतलब तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, और इन इक्वेशन को देख के पता पड़ेगा इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब हम पुराने फॉर्म में पहुंच चुके।
तो इसे सोल्व कर लेते हैं। देखें इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/x, इधर 3 × 1/x, इसका मतलब 1/x को मानना पड़ेगा और यहां पे 1/y को मानना पड़ेगा। हमने 1/x को u माना है और 1/y को v माना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 2/x हो जाएगी, 1/x की जगह u आ जाएगा और 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5/y, इसका मतलब 5 × v इक्वल टू 1/4। ऐसे ही 3/x मतलब 3u, प्लस 6/y मतलब 6v इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर नाम दे देते हैं, वापस एलिमिनेशन का यूज करके देखें तो ये दोनों नंबर छोटे और इनका एलसीएम 6, इसे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में और इसे 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। मल्टीप्लाई करके देखें इक्वेशन नंबर 3 में 3 का, तो 2u × 3 हो जाएगा, 6u, 5p × 3 हो जाएगा 15v, 1/4 × 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना इक्वेशन 4 में 2 का, तो 3u × 2 हो जाएगा, इसे 6v × 2 हो जाएगा और 1/3 × 2 हो जाएगा। अब दोनों सेम हो चुके हैं, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये बात भी यहां लिख देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट करके देखें 6u − 6u हो जाएगा 0, 15v में से 12v माइनस करेंगे तो 3v, 3/4 − 2/3 करना है, इसे सोल्व करके देख लेते, 3/4 − 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, डिवाइड में 4 × 3 हो जाएगा 12, 9 − 8 होता है 1 और डिवाइड में है 12, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/12 × 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/36। अब v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 को ही ले लेते हैं, इक्वेशन 3 में हम v की वैल्यू पुट कर लें, इसका मतलब 2u + 5p मतलब 5 × 1/36 इक्वल टू दिया 1/4। अब ये प्लस का इस साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2u = 1/4 − 5/36। अब इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 36, तो इसे 36 बनाने के लिए 4 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और केवल नीचे नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो × 9 × 9 दोनों तरफ करेंगे, तो 9 × 9 और 9 × 4 = 36 माइनस 5/36, ये सोल्व करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर होने के कारण से ये माइनस हो जाएंगे और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 × 4 = 4, 4 × 9 = 36, इसका मतलब 1/9 ये हो जाएगी 2u की वैल्यू। और अगर u की वैल्यू निकालनी तो 2 को इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, इसका मतलब 9 × 2 = 1/8। अब u और v की वैल्यू निकल चुकी है, इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/x = u एंड u इक्वल टू आया 1/18, तो 1/x = हो जाएगा 1/18 और x इक्वल टू हो जाएगा 18, ऐसे 1/y = v और v की वैल्यू आई 1/36, तो 1/y = हो जाएगा 1/36 और ये सोल्व करें तो y = हो जाएगा 36। ध्यान देना x और y दोनों डेज में थे, इसका मतलब x = 18, इसका मतलब जो एक वुमन थी
उसे पूरा वर्क फिनिश करने के लिए 18 डेज लगेंगे और y इक्वल टू 36, इसका मतलब एक मैन को पूरा वर्क फिनिश करने के लिए y डेज मतलब 36 डेज लगेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी स्पेशल क्वेश्चन भी, क्योंकि वुमन 18 डेज में को काम कर रही है जिसको करने के लिए मेंस को डबल टाइम लग रहा है। ओके, इस उत्तर में तो जा सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कहा था, अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेश्चन नहीं होता तो मन में ज्यादा लोड मत लेना, धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करना। जितना भी तुम सीख पाओगे उतना काफी, उसके बाद का तुम अपने आप सीख जाओगे या कोई अपना तरीका ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 30, रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रोहित टोटल 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, कुछ पार्ट कर रही है ट्रेन से वो कुछ पार्ट कर रही है बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। उसे टोटल 4 आवर्स लग रहे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। और से अगर 10 मिनट ज्यादा लगेंगे अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ बस से कर दे तो। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हमें दोनों की स्पीड पता करनी है, बस की और ट्रेन की। तो हम इसे ही 100 y मान लेते हैं। हमने ट्रेन की स्पीड को x और बस की स्पीड को y माना है। अब पहली कंडीशन को ले तो पहली कंडीशन के हिसाब से शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। उसे 4 आवर्स लगते, इसका मतलब हम टाइम को लेकर 4 आवर्स, तो हमें टाइम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर हम देखें यहाँ पे दो चीजों का यूज हुआ, इसका मतलब उसके दोनों के थ्रू जितना टाइम लिया उन दोनों का एडिशन हुआ होगा। इसका मतलब टाइम जो ट्रेन से लगा और टाइम जो बस से लगा, इन दोनों को एड करने पर 4 आया होगा। अब ट्रेन से कितना टाइम लगेगा हमें बताए तो 60 किलोमीटर चलिए ट्रेन से, तो 60 जो कि डिस्टेंस है और स्पीड है इसकी x, प्लस बचा हुआ वो बस से चलिए और टोटल उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो 60 वो चल चुकी है, इसका मतलब 240 बचा और वो बस से चली, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका मतलब 240 अपॉन y, इसके बाद उसे मिलेगा 4। तो ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए जो कि दिए इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये होगी डिस्टेंस, ये होगी स्पीड, तो ये हो जाएगा टाइम थ्रू ट्रेन प्लस, अब टाइम थ्रू बस देखें एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 300 प्लस 100 हो गया तो 200, तो 200 किलोमीटर वो बस से चलेगी जो कि डिस्टेंस हो जाएगा और स्पीड बस की है y, तो डिवाइड में y आ जाएगा। आगे ये शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहे थे, इसका मतलब पहले लग रहा था उसे 4 आवर्स, अब 10 मिनट्स से ज्यादा लग रहे तो 10 मिनट्स को भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 4 आवर्स है, तो मिनट में नहीं रह सकता, उसे आवर्स में करना पड़ेगा या इसे मिनट में चेंज करना है फिर इसे भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा। इस कारण से हम उस मिनट्स को 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर देते हैं, हमारा 10 में 60 का डिवाइड दे देते हैं। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई इक्वल टू, अगर 0 0 काटते तो ये हो जाएगा 25/6। इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे सबका कॉमन फैक्टर आ रहा है 25, और 25 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 4 100, 25 8 200 और 25 1 25। ऐसे हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं, नंबर छोटे हो जाएंगे, तो यहां पे कॉमन फैक्टर आ रहा है 4, अगर 4 का डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में तो यह हो जाएगा 15/x, 15 4 होता है 60, प्लस ये हो जाएगा 60/y क्योंकि 6 4 होता है 24, यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे देखें तो हम लिख सकते हैं 15 × 1/x, यहां पे 60 × 1y, तो मान लेते
तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगी, वन बाय एक्स यू लिखे तो ये हो जाएगा 15u, और वन बाय वाई की जगह वी लिखे तो ये हो जाएगा 60v इक्वल टू वन। ऐसे ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4u प्लस 8v इक्वल टू 1/6। अब यहां पे एलिमिनेशन भी थोड़ा बढ़ा जाएगा, बट करके देखते हैं। इसे इक्वेशन थर्ड माने और इसे फोर माने, छोटे नंबर दिख रहे हैं 15 और 4, और इनका अगर हम एलसीएम ले तो वो मिलेगा हमें 60। तो इसे 60 बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे 60 बनाने के लिए हमें 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख देते इस बात को, और इसके बाद ये माइनस करना है। तो इक्वेशन थ्री में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 15 फोर जा होता है 60 फोर जा होता है 240, और 1 फोर जा होता है 4। इसका मतलब हमें इसे चेंज करना कोई मतलब का नहीं आया, इसका मतलब अगर तुम इसे चेंज मत करो तो भी सेम आंसर आने वाला है जो अभी आया है। अगर इक्वेशन फोर में 15 का मल्टीप्लाई करें तो 4 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 प्लस 15 एट जो होता है 120 इक्वल टू 15 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15/6। इसे सोल्व कर सकते हैं, 3 2 6 होता है और 3 5 जो होता है 15। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करने का था, माइनस करें 0, 240 में से 120 माइनस करेंगे तो 120 आंसर आएगा, और 4 - 5/2 तो 4 में से 5/2 माइनस करें तो 4 2 8 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/2। अब 120 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो वी की वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 120, 3 × 3 = 12, तो वह हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/80। बी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन फोर में पुट करते थे तो इक्वेशन फोर थी 4u प्लस 8v, 8 इंटू बी की वैल्यू 1/80 इक्वल टू 1/6। ये सोल्व हो रहा है, 8 × 1 = 8, 8 × 10 = 80, तो ये 1/10 हो गया प्लस का, इस साइड में जाएगा माइनस में, तो 1/6 माइनस 1/10 ये हो जाएगी 4u की वैल्यू, तो 4u इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहां हो जाएगा 10 माइनस यहां हो जाएगा 6, और 6 × 10 हो जाएगा 60, तो 10 - 6 होता है 4/60, और यहां पर 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगी यू की वैल्यू 4 × 4 तो ये हो जाएगा 1/60, तो यू की वैल्यू आ गई 1/60। अब यू और वी की वैल्यू हमें पता थी, हमें पता है, हमने माना था यहां पे 1/x इक्वल टू यू, और यू की वैल्यू आई 1/60, इसका मतलब 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/60, और x इक्वल टू हो जाएगा 60। ऐसे ही 1/y को माना था हमने v, और v की वैल्यू आई 1/80, तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/80, और y इक्वल टू हो जाएगा 80। तो x हमने मान ली थी स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि हो जाएगी 60 km/h, और स्पीड ऑफ बस हमने मानी थी y जो हो जाएगी 80 km/h। तो इसी के साथ में एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बार अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे, और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए।